नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और तूफान चलने की भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से, और हालांकि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से अंधड़ को लेकर जारी किया गया है कि प्रदेश में 2-3 दिनों तक अभी मौसम खराब बना रहेगा और 10 जून के बाद मौसम साफ रहेगा, लेकिन 15 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और 15 से 20 जून के बीच में और 20 से 22 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा। पिछली बार मानसून ने 24 जून को प्रवेश किया था, इस बार 20 जून को मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। मानसून सामान्य बना रहेगा और जून के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में भारी सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। गर्मियों में इस बार हिमाचल प्रदेश में जमकर गर्मियां पड़ी है। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में इस बार पड़ी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तपे हैं। मई के महीने में बारिश बहुत कम हुई और यही वजह रही कि गर्मी जो तापमान था प्रदेश का वो ज़्यादातर क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस, मैदानी क्षेत्रों में तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान पहुंच गया था। यहां तक कि शिमला का तापमान भी 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। पहाड़ भी तपे हुए थे और केलांग का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर पहाड़ भी तपे, मैदान भी तपे और मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी तपे, इस तरह का हिमाचल प्रदेश की तस्वीर थी। और मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 73% कम बारिश हुई है, और जबकि 1 से 6 जून के बीच में ही, अब तो 8 जून है, और यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सामान्य से करीब 45% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश अभी गई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक का मौसम बारिश का बना हुआ है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन जहां पर धूप तप रही है वहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक यानी आज कल और परसों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ अंधड़ चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 10 जून से 13 जून तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा, यानी 10 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिलने की संभावना है। और 10 से 13 जून के बीच में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से तापमान और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में जरूर गिरावट हुई है। ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे कल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नेरी और धौलवा कुआं में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन वहाँ का तापमान अभी भी 41 डिग्री सेल्सियस से कम आ गया है। एक समय 46 डिग्री सेल्सियस तक भी हिमाचल प्रदेश का तापमान पहुंच गया था, और लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और 20 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। 20 से 22 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। पिछली बरसात को हिमाचल प्रदेश अभी भूला नहीं है, उसके जख्म कई जगह पर देखे जा सकते हैं। रेस्टोरेशन के काम बड़ी धीमी गति से, विशेषकर NHAI की बात करें, फोर लेन जो आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, रेस्टोरेशन के काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़े हैं। कई जगह पर नेशनल हाईवे टूटा हुआ है, डंगे टूटे हुए हैं, डंगे गिरे हैं, जो मलबा पहाड़ियों से गिरा है अभी सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है। इसकी वजह से एक लेन कई जगहों पर बंद है, कई जगहों पर दोनों लेनें चली है, लेकिन कुछ एक जगहों पर एक लेन बंद है क्योंकि रेस्टोरेशन के काम हुए नहीं है। और बारिश सोलन में परसों यदि हम देखें तो बारिश सोलन में पिछले दिनों ज़बरदस्त हुई है, और उसकी वजह से अश्विनी खंड में जो रेवा फॉल अश्विनी खंड में है, वहाँ पर दिल्ली के 13 बच्चे आए थे,
और पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई है। काफ़ी दर्दनाक हादसा था। और परसों की घटना है कि रेवा, जो रेवा फहौल है अश्विनी खंड में, वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि उस रेवा गार्डन को पर्यटन विभाग की ओर से विकसित नहीं किया गया है और वहाँ के लिए पहुँचने का रास्ता भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी पर्यटक बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के माध्यम से उस गार्डन के, उस फॉल की जो जानकारियाँ हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा स्प्रेड हुई है और यही वजह है कि दूर दूर से पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने उस फॉल को विकसित नहीं किया है और यही वजह है कि वहाँ पर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और पहाड़ी से जब पत्थर गिरा तो उसके कारण एक छात्र की वहाँ पर मौत हो गई। दिल्ली के लॉ के छात्र थे, दिल्ली से घूमने के लिए आए थे, 13 ये छात्र थे। और बताया जा रहा है कि बारिश जो सोलन में 4 दिन पहले हुई थी तो उसकी वजह से जो चट्टान वहाँ पर थी ऊपर पहाड़ी के ऊपर वो अचानक गिर गई और छात्र उस वक्त वहाँ पर अपने कपड़े बदल रहे थे जब यह हादसा हुआ। उसमें एक छात्र की दुख मौत हो गई। कल पोस्टमार्टम हुआ और परिवारजनों को शव को सौंप दिया है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है कि पिछली बरसात से कुल मिलाकर, हम इसलिए बता रहे हैं कि पिछली बरसात से हमने कोई सबक नहीं लिया है, ना प्रशासन ने लिया है, ना लोगों ने लिया है और यही वजह है कि बरसात से पहले ही हादसे होने शुरू हो चुके हैं और लोग काफ़ी परेशानी में इसलिए भी है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार काफ़ी कम बारिश हुई है। किसान परेशान है, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। बारिश जून के प्रथम सप्ताह में जरूर कुछ एक जगहों पर हुई है लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी तक नहीं हुई, सिंचाई कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ भी मिलता हुआ अभी। बारिश होने की संभावना बनी हुई है और अंदर चलने का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 1 जून से लेकर और 6 जून के बीच में जो मैं आंकड़े बता रहा था कि हिमाचल प्रदेश में 45% अधिक बारिश सामान्य से अधिक हुई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में जो बारिश होती थी वो 10 से 8 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता था, सामान्य बारिश है, लेकिन अभी तक प्रदेश में 15 से 6 मिलीलीटर बारिश अधिक हुई है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना में सामान्य से कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है, मंडी में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है, शिमला में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है, ऊना में 15% कम बारिश हुई है। बिलासपुर की बात करें तो वहाँ पर सामान्य से 130% अधिक बारिश हुई है, चंबा में 31% अधिक बारिश हुई है, हमीरपुर में 4, किन्नौर में 55, कुल्लू में 28, लाहौल स्पीति में 219, सिरमौर में 69 और बिलासपुर में 59% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कई जगह पर अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है लेकिन कुछ एक जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश, यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों की तो वहां पर पिछले 6 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं, मौसम सोलन का इस वक्त खुला हुआ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पिकअप टमाटर की आगे की ओर बढ़ रही है। सोलन से टमाटर खरीदा गया है, किसान बड़ी संख्या में टमाटर लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन खरीदार नहीं है। और अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार मई के महीने में गर्मियां पड़ी है उससे टमाटर समय से पहले ही पककर तैयार हो गया, पका हुआ टमाटर मंडी में पहुंच रहा है जिसकी वजह से किसानों को अच्छे दाम इस वक्त टमाटर के नहीं मिल पा रहे हैं, यह वजह है। और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान रहा है तो नेरी में कल तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, धौलाकुआ में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, ऊना का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर का 39.9 है, हमीरपुर का 38 डिग्री सेल्सियस है, चंबा का 37 है, कांगड़ा का 37.4 है, भट्टी का 36.9 है, धर्मशाला का
32.7 है, भुंतर का 34.5 है, मंडी का 36 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 37.4 है, शिमला का 28 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 33.1 है, रिकांगपिओ का 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान। तो ज़्यादातर शहरों में बीबीएन का भी 41 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादातर शहरों में तापमान जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर अब 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ गया। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ रात गर्मी से जरूर मिली है। जयप्रकाश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजपूत जगमोहन चौहान जी सिरमौर नाहन तहसील के धगेड़ा में आपका लाइव वीडियो देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजपूत जगमोहन चौहान जी आपका, और आप लोग के वजह से हम लाइव प्रसारण कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती रहती है और उससे हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है। राज भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मशाला में भी कूल हो गया है मौसम, धर्मशाला के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राज बहादुर जी का हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए सनेट से, जुबड़ट्टी ममली सायरी कुनिहार सपाटू कसौली बशील सनेट पट्टा बरौरी तहसील हरिपुर बरकी में मौसम साफ बना हुआ है। जयप्रकाश ठाकुर जी का, राजपूत जगमोहन चौहान जी का हम स्वागत करते हैं, स्थिति शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं, झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, तेन सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, धीरज शर्मा जी का स्वागत है, ओम प्रकाश लोहन जी का स्वागत है, राजीव गुप्ता जी का स्वागत है, रिक्की वासुदेवा जी का हम स्वागत करते हैं, चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए उनका स्वागत है, महेश ठाकुर जी जुड़ गए उनका भी स्वागत करते हैं। और मौसम की हम आपको अपडेट इस वक्त दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 2-3 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा, कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना जरूर बनी है। और राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, शिशु भोल्टा जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत हम करते हैं। तापमान किस तरह का न्यूनतम रहा है हिमाचल प्रदेश में, न्यूनतम तापमान अब 15.6 शिमला का रिकॉर्ड किया गया, सुंदरनगर का 21.4 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है, भुंतर का 16.5 है, कल्पा का 9 है, धर्मशाला का भी 20.2 है, ऊना का 21.6 है, नाहन का 25.5 है, केलोंग का 5.8 है, केलोंग में ठंड है, पालमपुर में 17 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 15.6 है, मनाली में 12.1 है, कांगड़ा में 21.4 है, मंडी में 19.5 है, बिलासपुर में 22.8 है, हमीरपुर में 20.7 है, चंबा में 19.7 है, डलहौजी में 10.9, जुब्बड़हट्टी में 18.8, कुफरी में 12.7, कुकुमसेरी में 5.9, नारकंडा में 10.5, भरमौर 14, रिकांगपिओ 12.2, धौलाकुआं 23.2, बठी 20.3, कसौली का न्यूनतम तापमान बहुत अधिक देखने को मिला है 22.3 है, और कसौली का जो अधिकतम तापमान है वो भी 32 डिग्री सेल्सियस है, पाउंटा साहिब में 28 डिग्री सेल्सियस है, और देहरा में देहरा गोपीपुर 26, मशोबरा 14.8, नेहरी 20.3 और सैंज 16.5 और बजौरा में 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का न्यूनतम तापमान है। और अमन बी चौधरी जी जुड़े हैं, एचएस सिरमौरी जी और राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं राम सिंह जी का। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पर्यटकों की गाड़ी शिमला की ओर, पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों से राहत पहाड़ों में ही है। भले ही पहाड़ तप रहे हैं फिर भी मैदानी राज्यों की तुलना में पहाड़ों का तापमान बहुत कम है। धर्मशाला में आज बादल छाए हुए हैं, मैकलोडगंज जी दीपक मैकलोडगंज जी ये जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों से हो रही थी लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जैसे ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है उसके बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को भी मिली है, पर्यटकों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जहां तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ, कई जगह तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तो 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान इस वक्त बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे। सोलन में हल्की हल्की धूप है, हालांकि मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है।
अंदर चलने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब मानसून की भी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाला है। 15 से 20 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और 20 से 22 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। पिछले वर्ष की बात करें तो 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था और झमाझम प्रदेश में बारिश हुई थी। पहली प्राकृतिक आपदा 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में आई थी। मौसम विभाग का मानना है कि जून के आखिरी सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे, सामान्य से अधिक बारिश होगी। 1 जून से लेकर और 6 जून के बीच में प्रदेश में अभी तक सामान्य से 45% बारिश हुई है। मई के महीने में सामान्य से करीब 73% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। और मौसम मशवरा का साफ है, राजन जी हैं हमें जानकारी दे रहे हैं, मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा मनोबल, हमारा उत्साह आप बनाए हुए हैं। तापमान यहाँ का 28 डिग्री सेल्सियस है। मशोबरा के तापमान की बात करें जो राजन जी हमें बता रहे हैं, तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मौसम की जानकारी पहुँच सके। संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं संजू जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद।